दोस्त, जब मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में था ना, तो वहाँ मेरे दो दोस्त थे। एक का नाम था मुकेश और दूसरा का नाम था प्रकाश। और जो मुकेश था ना दोस्त, वो दिन भर पढ़ता था, बहुत पढ़ता था। और इसके अपोजिट जो प्रकाश था ना दोस्त, वो बहुत कम पढ़ता था। पर दोस्त, जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आता था ना, तो हम लोग को लगता था कि मुकेश का नंबर ज़्यादा आएगा, पर होता था उल्टा, हमेशा प्रकाश का नंबर ही ज़्यादा आता था। और दोस्त, एक मज़े की बात ये भी है कि प्रकाश की नौकरी जो है ना, मुकेश से पहले लगी। प्रकाश पहले गवर्नमेंट जेई बना। पर दोस्त, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि प्रकाश ऐसा क्या जानता था, वो ऐसा कौन सा ट्रिक इस्तेमाल करता था कि कम समय में पढ़ के ही वो ज़्यादा कुछ पढ़ लेता था। ये दोस्त आपने भी अपने आसपास देखा होगा कि कम पढ़ने वाले ज़्यादा पढ़ने वाले पर भारी पड़ जाते हैं और बाजी मार लेते हैं। इसलिए दोस्त, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कम समय में ज़्यादा पढ़ सकते हैं। और इसके लिए दोस्त, मैं आपको चार ऐसे तरीके बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से आप अपने स्टडी क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए दोस्त, इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। यूनानी सेना में ओडिसियस नाम का एक बहुत ही बड़ा योद्धा था। उसने अपने पूरे जीवन में कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी, पर जो वो बूढ़ा होकर रिटायर हो गया, तो उसे समुद्री मार्ग से अपना घर जाना था। उसके रास्ते में एक ऐसा आइलैंड पड़ता था जो लोगों को अपने ओर बुलाता था, अपनी ओर आकर्षित करता था। जब भी कोई जहाज उस आइलैंड के पास से गुजरता था ना, तो उस आइलैंड से मधुर मधुर आवाजें आने लगती थी, अप्सराओं की आवाजें आने लगती थी, जिससे उस जहाज के नाविक उस आइलैंड की ओर खींचे चले जाते थे। और जैसे ही वो जहाज उस आइलैंड के पास पहुंचता था, वो आइलैंड उस जहाज को समुद्र में डुबा देता था। और ये बात ओडिसियस को पता थी। इससे बचने के लिए ना दोस्त, ओडिसियस ने एक तरकीब निकाला। उसने अपने सारे नाविक साथियों को ये आदेश दिया कि सभी अपने कानों को बंद कर ले। और जो ओडिसियस था ना दोस्त, वो बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु था। वो सुनना चाहता था कि वो आइलैंड का कैसा आवाज़ है, वो आइलैंड कैसे बुलाती है। इसलिए ओडिसियस ने अपने साथियों को कहा कि तुम लोग मुझे बांध दो, मेरे हाथ पैर बांध दो, और जब जहाज उस आइलैंड के पास से गुजरे, तब मैं कितना भी रोऊं, कितना भी चिल्लाऊं, कितना भी गुहार मांगूं कि मुझे आज़ाद कर दो, तुम लोग मुझे आज़ाद मत करना। और ओडिसियस के साथियों ने ऐसा ही किया। सबने सबसे पहले अपना कान बंद कर लिया था और ओडिसियस को बांध दिया था। ओडिसियस के बार बार कहने के बाद भी किसी ने उसे आज़ाद नहीं किया। और जानते हो दोस्त, इसी कारण ओडिसियस अपने सारे साथियों के साथ घर पहुँच गया। ओडिसियस की ये टेक्निक हमारे काम आ सकती है। जब भी दोस्त हम पढ़ने बैठते हैं ना, तो हमारा मन जो है भटकता है, पढ़ने का मन दोस्त बिल्कुल नहीं करता। और आज के समय में हमारे आसपास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं जो हमारा पढ़ाई में मन लगने नहीं देता है। आज के समय में दोस्त हमारे पास मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट है, और मोबाइल में यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तमाम दुनिया भर की चीज़ें हैं जो हमें पढ़ाई से रोकती है। और दोस्त जानते हो, आज के समय में लोगों का एवरेज अटेंशन स्पैम बहुत कम हो गया है। ओडिसियस स्ट्रेटजी के तहत जो दोस्त पहला रूल है ना, वो ये कहता है कि जब भी तुम पढ़ने बैठो ना, तो अपना सारा डिस्ट्रैक्शन को कट ऑफ कर दो, अपने से दूर करके बैठो। मतलब दोस्त, जब भी तुम पढ़ने बैठो, तो सबसे पहले अपने मोबाइल को अपने से तुम दूर कर दो, या फिर उसे स्विच ऑफ करके किसी और कमरे में रख दो। और दोस्त, तुम खाना खा के और अपना पीने का पानी लेके पढ़ाई करने बैठो, ताकि जो तुम्हारा मन है ना, तुम्हारा दिमाग थोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। और दोस्त, कोशिश करो कि तुम्हारा जो स्टडी रूम है ना, वो थोड़ा अलग हो और वो शांत एरिया में हो। और दोस्त जानते हो, ओडिसियस अपने यात्रा में क्यों सफल हुआ? क्योंकि उसे पता था कि उसका गोल क्या है। उसे पता था कि वो आइलैंड पर जाना उसका गोल नहीं है, उसका गोल अपने घर जाना है। उसी तरह दोस्त, तुम भी डिसाइड कर लो कि तुम्हारा गोल क्या है। तुम लाइफ में कहीं पहुंचना चाहते हो, या फिर मोबाइल में समय वेस्ट करके और सो के समय वेस्ट करके तुम इसी तरह रहना चाहते हो। पूरा डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। पुराने ज़माने में ना, जो इंसान है वो लिमिटेड संसाधन के साथ रहते थे, मतलब कि वो कम संसाधन के साथ सर्वाइव करते थे। और इसी कारण दोस्त, आज भी हमारा दिमाग और शरीर का जो सर्वाइवल मोड है ना, वो ऑन है, और ये हर काम में एनर्जी बचाना चाहता है। और दोस्त, इसीलिए जब भी हम पढ़ने बैठते हैं ना, हमें नींद आता है, हमें लेजीनेस फील होता है। हमारा दिमाग ऐसा चक्रव्यूह रचता है एनर्जी बचाने के लिए,
और हम उसमें फंस जाते हैं और अपनी पुरानी बातों और यादों में खो जाते हैं और पूरा समय वेस्ट कर देते हैं। तो दोस्त, इससे बचा कैसे जाए, इसका उपाय क्या है? देखो दोस्त, इससे बचने के लिए हमें पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। इस टेक्निक में ना दोस्त, हमें पढ़ने और रेस्ट करने के टाइम स्लॉट को फिक्स कर देना है। मतलब कि मान लो कि हमें 1 घंटा पढ़ना है और फिर 10 मिनट रेस्ट करना है, फिर 1 घंटा पढ़ना है, फिर 10 मिनट रेस्ट करना है। 10 मिनट का रेस्ट का लालच दे के ना दोस्त, तुम्हें अपने दिमाग को बेवकूफ बनाना है। अपने दिमाग को तुम्हें कहना है कि अभी तुम मुझे पढ़ने दो और 1 घंटा में पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद तुम्हें 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा जिसमें तुम रिफ्रेश हो जाना। और दोस्त, अगर तुम इस तरह से अपने दिमाग को रेस्ट का लालच दोगे ना, तो डेफिनेटली तुम्हारा डिस्ट्रैक्ट होने का जो चांस है ना दोस्त, वो कम हो जाएगा। देखो दोस्त, ये जो पढ़ाई करने का और रेस्ट करने का जो टाइमिंग है ना, वो सबके लिए अलग अलग होगा। तुम अपने हिसाब से दोस्त इसे सेट कर लेना। जब दोस्त हमारा एग्जाम में 1 या 2 दिन बचा होता है ना, तब हम जो पढ़ते हैं ना, वो हमें याद हो जाता है और लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहता है। तो दोस्त, ऐसा क्यों होता है? तो इसका पता हमें पार्किंसन प्रिंसिपल से पता चलेगा। ये प्रिंसिपल कहता है, अगर हम किसी काम का होने का समय को फिक्स कर देना, तो हम उस काम को उतना ही समय में कर लेंगे। और दोस्त, तुम्हें पता है, इस बात को इलॉन मस्क ने भी अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा था। जो भी टॉपिक पढ़ने के लिए शुरू करो ना, तो उसका टाइम जरूर सेट कर लेना कि इतने टाइम में मुझे यह टॉपिक कंप्लीट कर लेना है और पूरा पढ़ लेना है। और दोस्त, तुम्हें पता है, हम इंजीनियरिंग वर्ग में भी, प्रोफेशनल वर्ग में भी, हर काम को टाइम बाउंड करते हैं, टाइम के साथ उसको बाउंड कर देते हैं कि इतने टाइम में ये काम हमें कंप्लीट चाहिए। मान लो कोई काम अगर 2 दिन का है, तो हमारा बॉस बोलता है कि तुम लोग इसे 1 दिन में ही कंप्लीट करो, और उस काम को दोस्त पूरा करने में हम लोग पूरा जी जान लगा देते हैं, और यकीन मान दोस्त, वो काम 1 दिन में कंप्लीट भी हो जाता है। इसलिए दोस्त, पार्किंसन प्रिंसिपल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और तुम अपने पढ़ाई के जो तरीका है ना, उसमें इसे जरूर इम्प्लीमेंट करना। भाई, ह्यूमन ब्रेन जो है ना, वो चीज़ों को भूलता है क्योंकि उसे एनर्जी बचाना होता है, और ब्रेन के इसी हरकत के कारण हम लोग आगे से पढ़ते जाते हैं चीज़ों को और पीछे से भूलते जाते हैं। और दोस्त, कभी कभी तो हद ही हो जाता है, ऐसा होता है कि किसी टॉपिक को हमने 1 या 2 महीने पहले ही पढ़ा होता है, और जब उस टॉपिक को आज हम पढ़ते हैं, तो हमें वो टॉपिक कम्प्लीटली न्यू लगता है। हमें ऐसा लगता है कि हमने इस टॉपिक को पहले कभी पढ़ा ही नहीं है। अगर दोस्त आपके साथ ये सब होता है ना, तो निराश होने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो भूलने वाला जो चीज़ है, वो सभी के साथ होता है। इससे बचने के लिए दोस्त, मैं तुम्हें एक टेक्निक बताता हूँ, इसे अपने स्टडी में तुम जरूर फॉलो करना। इस टेक्निक को कहते हैं एक्टिव रिकॉल। इस एक्टिव रिकॉल टेक्निक में ना दोस्त, तुम्हें ये करना है कि जब भी तुम खाली बैठो, तुमने जो आज पढ़ाई किया है ना, उसे पहले रिकॉल करो। उसको रिकॉल होने के बाद जो तुमने कल जो पढ़ाई किया है ना, उसको रिकॉल करने की कोशिश करो, और वो रिकॉल होने के बाद तुम 1 दिन बाद फिर परसों का पढ़ाई को रिकॉल करने की कोशिश करो। और तुम्हें जब भी समय मिले ना, चाहे तुम बस में हो, मार्केट में हो, या कहीं पर भी हो, थोड़ा भी समय मिलता है, तुम रिकॉल करने की कोशिश करो। अगर तुम चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करते हो ना, तो जो तुम्हारा दिमाग है, वो चीज़ों को शॉर्ट टर्म मेमोरी से उठाकर है ना, परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट कर देता है। और इसी के कारण दोस्त, तुम्हें तुम्हारा जो पढ़ा हुआ चीज़ है ना, वो लंबे समय तक याद रहेगा। अभी दोस्त, मैंने तुम्हें 4 टेक्निक बताए जिसके सहायता से तुम कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हो। ये 4 टेक्निक है। पहला, ऑडिशियस टेक्निक। इस टेक्निक में तुम्हें अपने सारे डिस्ट्रैक्शन को अपने से दूर करना है और अपना गोल को फिक्स करना है। दूसरा, पोमोडोरो टेक्निक। इस टेक्निक में तुम्हें अपने पढ़ाई के जो स्लॉट है ना, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर पढ़ाई शुरू करना है। तीसरा, पार्किंसन टेक्निक। इसमें जो टॉपिक तुम पढ़ रहे हो ना, उसे कंप्लीट करने का टाइम लिमिट सेट कर लेना है। और चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक्टिव रिकॉल। इसमें तुम्हें अपने पढ़े हुए चीज़ों को जब भी टाइम मिले, तुम्हें रिकॉल करना है। दोस्त, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर दोस्त थोड़ा भी हेल्पफुल होता है ना दोस्त, तो इस वीडियो को जरूर तुम अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि दोस्त उनकी भी कुछ मदद हो पाए। और तुम बाकी तो तुम जानते हो दोस्त, कि मैं ऐसा इन्फॉर्मेशनल वीडियो अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट कर सकते हो, ताकि दोस्त मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे। दोस्त, मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए और बुलंद रहिए।